18 वर्षीय नाबालिग बच्चे की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि बच्चा पानी जहाज में चढ़कर पतंग उड़ा रहा था और पैर फिसलने से वो गंगा नदी में गिर गया। वही घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग, परिजन व एनडीआरएफ की टीम व राजमहल अंचल के गोताखोरों की मदद से लापता बच्चे की तलाश की जा रही, लेकिन पानी के तेज बहाव होने के कारण बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने गंगा किनारे बसे लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो अपने अपने बच्चों को सावधान रखें और गंगा किनारे खेलने के लिए ना जाने दें। खबर बिलासपुर से है, जहां पर विधायक शैलेश पांडे द्वारा कोतवाली थाने में दिए गए बयान